हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, माता रानी के आशीर्वाद से, आप लोग के सभी के प्यार से। तो फ्रेंड, कर रहे हैं शुरुआत दिन के 2 बजे से। और पीछे से नैतिक को दिखाऊं, नैतिक कहाँ है? जो है ये मेरा बेटा लगा रहा है दिन का झाड़ू, और मैं धो रही हूँ बर्तन, और मेरी आस्था बेटी खा रही है खाना, जो ये जस्ट अभी स्कूल से आई है। और मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाया था, ब्लॉगिंग नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग कर ही जाए। तो मेरा मन किया ब्लॉग बनाने का, तो मैंने कहा मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है, उसे दिखा देती हूँ कैसे झाड़ू लगाता है। ये देखो, कहीं झाड़ू लगाना भी नहीं आता है इसको, और इसकी पड़ चुकी है छुट्टियाँ। तो अब आस्था मांग रही है फोन, स्कूल से आई है, जो उसको खाना खाते वक्त थोड़ा सा आजकल फोन चलाने की आदत पड़ चुकी है। ओ, जैसे बच्चों को नहीं खिलाते वीडियो देख के, मिठू तोता खा ले बेटा खाना, वैसी देख के खाती है। अच्छी आ रही है। और हाँ, गुसाई जी जा रखे हैं गांव से बाहर, खटीवा की साइड को, अपने काम से। बोला अपने काम बोला तो क्या बोलते हैं, फोटोग्राफी। तो हमारा वीडियो का काम मैं बताया ही था आप लोगों को, तो अपने फोटो का काम किसी ने बुला रखा, तो वो वहाँ जा रखे हैं। मैं भी जाने वाली थी बट मैं नहीं जा पाई, मेरा मन। तो इसी के साथ हम आज अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे, तो प्लीज़ हमारा ब्लॉग देखने के लिए। अभी कपड़े तय नहीं किए हैं, यहाँ पर ढेर लगी हुई कपड़ों की, मन नहीं कर रहा था कपड़े तय करने का, तबीयत ख़राब थी कल को, तो कल मेरा स्वास्थ्य खराब था, तो इसीलिए भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, और ये कपड़े भी इसीलिए पड़े हुए हैं। अभी तक मैं और नैतिक बैठे थे दुकान पर, तो इसीलिए भी हमने खाना लेट खाया, नहीं तो हम लोग कब खा लेते। खाना तो मैंने सुबह ही बना लिया था, गुसाई जी जा रहे करके, वो तो खा के गए थे खाना, तो मैं दुकान पर बैठी थी, तो इसीलिए पे हम लोग लेट आए, तो लेट खाना खाया। तो अब आस्था जी आई है हमारी, आस्था खा रही है, तो इसी के साथ हम लोग अपना ब्लॉग कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहें, स्किप करके ना देखें। आपसे अभिनंदन, अभिनंदन कहते हैं क्या कहते हैं वो है, तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को पूरा देखने की अति कृपा करें। फ्रेंड, अभी बज चुका है 5:30, तो आए हुए तो काफ़ी देर हो गई है दुकान पे आए हुए। दुकान पे बैठी थी गुसाई जी के साथ यहाँ पर, तो अभी इनने अपनी एक बात बयां करी है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करने का मन कर रहा है। एक बात इन्होंने ये कही है कि क्या कही है, मेरी एक तमन्ना थी लाइफ, जोर से बोलो, मेरी जिंदगी एक तमन्ना थी कि मैं कार चलाऊँ, हाँ, पर मैं ज़िंदगी में इस लायक ही नहीं बना, ठीक ही नहीं हुआ, काम दवाएँ कमाई वमाई कुछ करी नहीं ठीक से, कमाई वमाई करता सही से, नोट छापता तो एक कार खरीदता, कार नहीं चला, मेरा मुंह क्यों देख के बोल लो फिर, कार नहीं चला पाया, जैसे मुझे बहुत बड़ा अफसोस है, अब पता नहीं है उसको पूरा करवाऊंगा नहीं करवाऊंगा, जाने के लिए देखिए आगे होता है क्या। तो ये मेरा मुंह देख देख के बोलते रहते हैं, लोग सोचते होंगे कि इसकी बीवी जबरदस्ती मुंह पकड़ पकड़ के बुलवा रही है, बट ऐसा इनकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए आप लोगों के बदौलत, ठीक है। तो ये सोचते कि वीडियो भी क्यों बना रही होगी, ये पागल है, ये औरत फालतू ये औरत पागल है, ब्लॉग क्यों बना रही होगी, ऐसा क्यों कर रही होगी। सबसे पहले तो मेरा, मुझे आगे पहुंचाने के लिए आप लोगों का सपोर्ट है, सबसे पहले तो मैं इनकी जो ये सोचते हैं, इनकी सोच वो करनी है कि ये ब्लॉग क्यों बनाती होगी, ये क्यों ऐसा क्यों करती होगी। उसके बाद अदर लोग जो सोचते होंगे मेरे बारे में कि ये क्या ही कर पाएगी। फ्रेंड, गुड़ छेना गोरू तो है यार, ठीक हो रही है वो गाय, पता खाना खा रही है, इतना अच्छा गोबर कर रही है, दिन में घास दिया था वो भी खा गई, और सुबह भी 2 बार उसका काटा हुआ दे आई, बस ये कह रही है कि दीपा उसके पीछे तू मेहनत काम कर, फल मत पा तो गाय के पीछे मुझे खाली मेहनत करनी है और कुछ नहीं होने वाला है। ये पीछे से फोटो जानबूझ के नहीं बैठती हूँ मैं, यहाँ पर जगह ही ऐसी है डोनर बैठने के लिए, तो बैठना पड़ रहा है। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आजकल ऐसे ही हो जाता है, कभी मूड अपसेट हो जाता है, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो आज बहुत एनर्जी जैसी आई है शरीर में, तभी ब्लॉग बना रही हूँ। और आज मैं कहीं जाने भी वाली थी तो वहाँ भी नहीं जा पाई, तो फिर इसीलिए मैंने कहा चलो भैया कहीं गई नहीं तो घर पर ब्लॉग बना लेते हैं, कहाँ जा रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो ये भी गए थे, हाँ मैंने बताया था आप लोगों को कि गुसाई जी कहीं गए हैं, तो ये भी 2-3 घंटे का काम था, वहाँ करके आ गए हैं। तो चाय भी शाम को पियेंगे, क्या करें, अब घर में कुछ काम है नहीं, तो दुकान में बैठे रहती हूँ,
गुसाई जी के साथ टाइम पास करते हैं। दोनों जने मक्खी मार रहे हैं यहाँ पर, उड़ी होंगी कहीं, मक्खी दिखाऊं, मेरे हाथ में उड़ती है मक्खी, मेरे में ही आँचे पकती है मक्खी भी डोने। ये कहाँ गई रे? तो फिर बने रहें हमारे ब्लॉगिंग के साथ, प्लीज़ हमें छोड़ के ना जाएं। जो भी हमारे चाहने वाले हैं तो प्लीज़ पूरा ब्लॉगिंग को देखते रहें, बस टाइम नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ये रात में आई है, फोटो बनाने आई है, ये बताते हैं आपको नहीं। फोटो कैसे बनाने आए, किस किस तौर पर बनाने आई है ये दिखाना। और मुझे ना ऐसा कैमरा चाहिए था, ऐसा कैमरा नहीं है मेरे पास, मेरे पास नन्ना सा कैमरा है, तो ये ऐसा कैमरा मैं आप लोगों की बदौलत ले सकती हूँ। इसका कैमरा देख देख के मैं ललचा रही हूँ अभी। तो ये अपने कैमरे के बैक में यहाँ पर पिंकू से फोटो बनवाने के लिए आई है। तो यहाँ पर बन गई है पूजा की फोटो, तो इस तरीके से बना रखी है, दिख नहीं रही अच्छे से। एक तो मैं लाऊंगी फोन के पीछे, अब दिख रही है। अब ये लगाएगी किसके पीछे? इसके पीछे कटिंग करके इस तरीके से। कैसी अच्छी लग रही है ना यहाँ पर देख। हेलो गाइस, आज मैं आई हूँ भाभी की दुकान में फोटो बनवाने। तो फोटो मैंने बना चुकी है, ये देखो। दीपा सामान दे दो, रिंका को क्या मांग रहा है? ये देखो बहने बनाई है फोटो, और ये हमारे सब्सक्राइबर झूठे सब्सक्राइबर है। मैं झूठे सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर रहा है, और मैंने भी इसे फॉलो नहीं किया शायद ना, मेरा तो किसी के, मैं तो मैं इंस्टा में हूँ, मुझे इंस्टा में फॉलो करो बस। और छोटा मिनी ब्लॉग बनाती है इंस्टा में, पूजा बिस्ट के नाम से है। तो फिर इन्हें भी देख करके इनको फॉलो वॉलो कर दे, अनफॉलो अगर जिसने फॉलो किया वो अनफॉलो कर देना। नहीं, मुझे कोई अनफॉलो नहीं करता, सब मेरे जान पहचान के हैं। चल ठीक है, टाटा बाय बाय। फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ घर पे 8 बजे, 8 बजे घर पे आई हूँ। तो अभी लाई हूँ मैं 2 बैंगन 4 आलू, और बनाते हैं बैंगन की सब्जी। क्या किसने उड़ा या किसने करा? ना टेढ़ा मेढ़ा लगा रहा है लड़का मेरा। तो बनाते हैं आलू बोई करना, और कहते हैं आप लोगों को अपने साथ अपने ब्लॉगिंग के साथ। तो आज मेरा एक सब्सक्राइबर आया था, बड़े टाइम बाद मुझसे मिलने आया था, और वो भी मिनी ब्लॉग बनाती है नया नया। वैसे तो इंस्टा में शॉर्ट्स वगैरह डालती थी, तो अभी से उसने मिनी ब्लॉग भी बनाया। मेरी भी काफ़ी मदद करती है वैसे वो ब्लॉगिंग में, कभी कभी आके मुझे बताती है कुछ कुछ चीज़ें। तो फिर ऐसे ही मिलते रहते हैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू, और बनते रहते हैं इसी साथ साथ मेरी इसी दौरान में सब्जी भी। और कोरोना वरोना भी फैल रहा है साथियों, ध्यान दें, मेरा लड़का भी कोरोना का नाम लेती है, अपनी धड़कने बढ़ाने लगा है, सांसें लेने लगा है, क्योंकि ये भी कह रहा है दर्द हो रही है सीने में। और इस कोरोना करके अभी मेरी जेठानी के पापा की भी डेथ हो गई है। 2-4 दिन वेंटिलेटर में रहे, थोड़े दिन आईसीयू रूम में रहे थे, और थोड़े दिन जनरल वार्ड में रहे, आईसीयू रूम में रहे, फिर वेंटिलेटर में गए। 8-10 दिन के अंदर उनकी भी डेथ हो गई थी, तो मैं भी जा नहीं पाई, कुछ ऐसा ही कुछ कुछ बीच में हो जा रहा था, नहीं जा पा रही थी, तो इसलिए भी ज़्यादा मन नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग करने का। तो सच बताऊँ तो मैं इसीलिए ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना रही थी, एक हादसे के बाद दूसरे के बाद कुछ ना कुछ मतलब घटनाएं ऐसी घटती जाती हैं कि बिल्कुल मन इतना उदास हो जाता है कि ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं करता है। तो वहाँ भी नहीं जा पाई मैं, तो अब जाना है, वहाँ भी जाना है जेठानी लोगों के पास, वो भी गुस्सा हो रहे होंगे नहीं आई करके। मुझसे बातें करते करते मेरे आलू भी छिल गए हैं, तो अब मैं जाऊंगी अपनी जेठानी, आज उनके वहाँ हो रखे हैं, 6 दिन हो गए हैं, तो अभी मेरा भी जाने जैसा नहीं हो रहा है, तो अभी मैं भी जाऊंगी अब वहाँ पे, कुछ दिनों बाद ही जाऊंगी। तो इसीलिए अपनी जेठानी लोगों से सभी लोगों से सॉरी बोलती हूँ वहाँ नहीं आ पाने के लिए, क्योंकि मेरे भी घर में ऐसे ही चल रही है, और मन भी ऐसे ही उदास चल रहा है, और पिंकू की भी तबीयत खराब हो रही है, उनका भी पाँव बिल्कुल खराब हो गया, सड़ जैसा गया था, तो उनका ट्रीटमेंट करवा रही थी पैर का, तो इसलिए भी नहीं आ पाए। तो थोड़ा अभी पाँव सूखने लगा है, दवाई लगा के घाव ठीक हो रहा है, तो अब आऊँगी अब मैं। आलू भी खराब है, 8 बज गया है, तो उनका बीच में ये गाय भी ऐसी हो गई कि मेरी छोड़ने जैसी नहीं हो रही, अब गाय ने भी मेरा बहुत हालत खराब कर दी है, दवाइयाँ खिला दी है, 2-4 हज़ार 4-5 हज़ार की मेरी उसकी दवाई हो गई है, बट लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है, घास वगैरह तो खाने लगी है बट लेकिन ठीक नहीं हो रही है, खड़ी नहीं हो पा रही है,
तो इसके वजह से भी मेरा आधा आधा तबीयत तो मेरी गाय को देख देख के खराब हो जाती है। आज जिस दिन मेरा थोड़ा सा मूड अच्छा लगता है गाय, मैं उस दिन थोड़ा सा ब्लॉग बनाने की सोचती हूँ, बट मेरा सारा दिन नहीं तो ऐसे बहुत उदास सा जाता है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो फिर मिलते रहते हैं। नैतिक भी पढ़ाई करने के लिए जा रहा है स्कूल का, नैतिक की भी छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, के भी में जल्दी छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, तो अभी अभी अपना होमवर्क करने के लिए जा रहा है। तो इसी के साथ साथ मैं भी वहीं पर बैठ के सब्जी काटती हूँ। तो फ्रेंड अभी बजे हुए हैं शाम रात के 9 बजने मतलब बजने वाला है, और रोटी बनाई नहीं है, तो आटा वगैरह गूंथ करिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। तो मैंने कहा यहाँ पर से थोड़ा सा ब्लॉग बनाती हूँ, और उसके साथ फिर मैं अपने ब्लॉगिंग की एंडिंग भी कर दूँगी। शायद अभी पिंकू और नैतिक तो क्या पता शादी है, शादी में जाने वाले हैं, तो उस हिसाब से रोटी समझ में नहीं आ रही कितनी बनाऊँ, तो तभी भी मैं रोटी नहीं बना रही हूँ। अभी थोड़ी देर में बनाती हूँ रोटी, क्योंकि नाइट की शादी है, तो अभी जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं है। तो और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आप लोगों को, तो क्या पता मेरी दोस्त तो नाराज़ भी हो रही होगी कि इसने मेरा डांस नहीं डाला करके। तो मेरा फ़ोन, जब मैं महिला संगीत में जा रही थी तो मेरा फ़ोन रास्ते से पता ब्लॉगिंग कर रही थी तो ख़राब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने टाइम पुराने ज़माने में जो रील नहीं भागती किट 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 करके वीडियो बना रही थी, तो मेरा फ़ोन मतलब ख़राब हो गया था, वीडियो नहीं बन रही थी उसमें, बन तो रही थी बट लेकिन स्पीक हो रही थी, मतलब बहुत तेज़ी से भाग रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर जब हम लोग वहाँ पहुँचे उसके बाद मैंने अपनी दीदी से फ़ोन लिया, उसकी दीदी अपनी दीदी के फ़ोन से कुछ बहुत वीडियो बनाई और उसने फिर मुझे यहाँ शेयर करी, उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो में अपलोड करी। इसलिए भी तभी भी मैंने नहीं तो तुरंत मेरा उसी रात को जब जो हमारे साथ दिन भर में होता है रात को हम एडिटिंग करके सुबह हम उसे अपलोड कर लेते हैं, तो मैंने उस दिन फिर उस दिन उसकी दूसरे दिन सुबह भी मैंने अपलोड नहीं करी, सारे दिन वीडियो वीडियो मांगी, अगर इधर से उधर से जैसे तैसे करके वीडियो मांगी, उसके बाद शाम को अपलोड करके तीसरे दिन हमने उसे अपलोड करी। बहुत समस्या हो गई थी उस दिन, तो और भी दिमाग ख़राब हो गया था कि बताओ अब मैं शायद महिला संगीत में गई हूँ और मेरी दोस्त कह रही होगी कि मेरी मतलब मैंने महिला संगीत में इतना अच्छा डांस किया और मेरा डांस नहीं लिया, हुआ ऐसा कि मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया। और क्या बोलूँ बताए, ऐसा ऐसा मेरे साथ हादसे हो रहे हैं कि फ़ोन ख़राब होने की कोई उम्मीद नहीं थी बट लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया उस दिन भी। ऐसा पता नहीं क्या हुआ ऐसा कि फ़ोन की जैसे पुराने ज़माने में रील वगैरह नहीं भाग जाती थी वैसा हुआ मेरे साथ। और अगर आशा जी को अगर विश्वास नहीं है तो छोटे छोटे बच्चों से भी पूछ लेना कि बुआ के फ़ोन में क्या हुआ, पुष्पा से, नीतू दी से, किसी से भी पूछना जितने लोग मेरे साथ थे। तो मैंने उस दिन अपना फ़ोन ही यूज़ नहीं किया वहाँ जाने के बाद, फिर मैंने चनु दीदी के फ़ोन से वीडियो बनाई, फिर उससे ने मेरे को शेयर करी, नहीं तो मेरा ब्लॉगिंग पता उस दिन बहुत अच्छा होने वाला था, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डांस हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे मैं डांस दिखाती आप लोगों को, बट लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो मैंने सोचा था, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ऐसा हुआ था। तो उस दिन से फिर मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, कितने दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए उस दिन से, आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। अभी भी ये पता नहीं कैसा ब्लॉग बनता है मुझे नहीं पता, बट चलो फिर